आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मुझे कोई बताएगा कि राजीव है कौन? वो हमारे अतीत की ऐसी भूल है जो हम सब भूलना चाहते हैं। अगर उस सई ने उस भूल को भूल से भी हमारे सामने लाने की कोशिश की, मैं उसका क्या हाल करूंगी ये मैं खुद नहीं जानती। मैं जाके सई भाभी को बुला के लाऊं? नको वैनी, सई सुबह सुबह तैयार होके कॉलेज भी चली गई है। तो शिवानी से पूछ लेते हैं, इतने दिनों से शिवानी और सई की इतनी सॉलिड सांठगांठ जो चल रही है उसे तो सब पता होगा। लेकिन शिवानी बुआ को भी मैंने तैयार होकर घर के बाहर जाते देखा था। कहीं सई और शिवानी मौसी ये दोनों राजीव से मिलने तो नहीं गए? मुझे तो डर लग रहा था, पता नहीं आप आएंगी कि नहीं। आना तो मुझे था सही, बस मैं ये नहीं चाहती थी कि घर वालों में से किसी को भी पता चले कि हम दोनों यहाँ साथ में हैं। वैसे भी उन्हें लगता है कि हम दोनों साथ में मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं। लेकिन बुआ, सबसे छिपाने का क्या फायदा, उनको तो पता चल ही जाएगा ना। बाद में देखेंगे सही, अगर किसी को भी पता चलता कि मैं यहाँ राजीव से मिलने आई हूँ, कोई मुझे घर से निकलने भी नहीं देता। अच्छा ठीक है, ये सब रहने देते हैं, आप अंदर चल के राजीव से मिल लीजिए। हाँ हुआ, ऑल द बेस्ट, कुछ नहीं होगा। हाँ सही, तुझे भी लग रहा है ना कि हमें यही करना चाहिए? हाँ बुआ, मुझे लगता है आपको राजीव से एक बार मिलना चाहिए। इस किस्से का अंत कुछ भी हो, लेकिन इस कहानी को अधूरा मत छोड़िए। आप एक बार राजीव की बात सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे, और फिर आप खुद फैसला लीजिए कि आगे आपको क्या करना है। कदम, ये मेरे घर का मामला है, इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं छूटनी चाहिए। सर, शिवानी जी का स्टेटमेंट लेना होगा, कंप्लेंट उन्हीं के यहाँ पे रजिस्टर होगी। मैं अपनी बुआ का स्टेटमेंट आज ही करवाऊंगा, बेहतर होगा कि वो खुद ही आना है। मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ वीरू। बुआ, मुझे लगा आपको ये सब नहीं पता था, ये सब जानकर आपको बहुत दुख हुआ होगा। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। I'm really sorry, बुआ। मुझे दुख पहुंचा है वीरू। और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम इस बारे में मुझसे बात भी करने आए थे। एक सही ही है जो मेरी तकलीफ की असली वजह को समझने की कोशिश की। मेरे अपने परिवार ने बरसों में कुछ भी जानने या समझने की कोशिश ही नहीं की। वो लेकिन आप मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है वीरू। मैं यहां राजीव से मिलने आई हूं। आप मेरे साथ आइए, एक मिनट। मैं बुआ के साथ यहाँ पर आई हूँ। अगर बुआ को मेरे दखल देने से या उनके साथ आने से प्रॉब्लम है तो फिर मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। बुआ,
आपको यहाँ आने से पहले एक बार मुझसे मिल लेना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप उस राजीव पर बहुत गुस्सा हैं, बहुत कुछ सुनाना चाहती हैं उसे, लेकिन मैं आपको उस दर्द से दोबारा गुजरने नहीं दे सकता। आप अपना स्टेटमेंट राजीव के खिलाफ कदम को दे दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उन बुरी यादों को फिर से जिंदा होते हुए नहीं देख सकता हूँ बुआ। मैं फिर से आपको वही तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, मैं उस राजीव को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि आप राजीव को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाएंगे, लेकिन अभी बुआ राजीव के अगेंस्ट स्टेटमेंट फाइल करने नहीं बल्कि उससे मिलने आई है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। तुम इतनी इनसेंसिटिव हो कि एक विक्टिम को उसकी गुनहगार से मिलवाने ले आई हो। कभी सोचा है इस सब का असर क्या पड़ेगा बुआ पर? मैं बता रहा हूं उस घटिया इंसान को, उस जानवर को। माइंड योर लैंग्वेज वीरू। मैं यहां राजीव से मिलने आई हूं और मैं उसे अभी मिलूंगी। सुन लिया आपने? अब प्लीज बुआ को राजीव से मिलने दीजिए। मैं अपनी बुआ से बात कर रहा हूँ। आप ये सब फिर से क्यों झेलना चाहती हैं? आपको याद है ना, उस राजीव की वजह से आपने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, तो क्यों? राजीव की हर एक चीज, हर एक बात मुझे सब याद है, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। I just want some closure. अच्छा, तो ये पट्टी पढ़ाई है तुमने बुआ को, वो क्लोजर वाली, जो कल रात को तुमने मुझे ज्ञान दिया था क्लोजर का, वो आज तुमने बुआ के दिमाग में डाला है, इसीलिए बुआ मानी है ना यहाँ आने के लिए। वीरू, तुझे अंदाजा भी है कि ये सब बोल के तू मेरी कितनी बेइज्जती कर रहा है? क्या? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ वीरू, जो कोई भी मुझे कुछ भी कह लेगा और मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊंगी। यहाँ आने का डिसीजन मेरा है, राजीव से मिलने का डिसीजन भी मेरा था, और कोई भी मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इंस्पेक्टर कदम, क्या बुआ राजीव से मिल सकती हैं? विराट सर ने राजीव को इन्हें मेंटल टॉर्चर करने के इल्जाम में अंदर किया है, तो क्या एक विक्टिम अपने अक्यूज से मिल सकता है? हाँ या ना? हाँ, मिल तो सकता है। थैंक यू। चलिए बुआ, भाई ऐसा लग रहा है जैसे ये पिकनिक पे आया है। भाई पहली बार मैंने ऐसा देखा है, तू जेल में आने के बाद इतना खुश हो। भाई जो इश्क के समुंदर में डूब जाते हैं ना, उसके बाद उन्हें किसी भी बात का खौफ नहीं होता। ये तो है, अपनी माशूकों के प्यार में ना एकदम हिल्स आ गया है, न जाने क्या बकबक किए जा रहा है, अपनी ही दुनिया में मस्त है यार।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि शिवानी शिवानी सच में मुझसे मिलने आई है। हाँ शिवानी बुआ सच में आपसे मिलने आई है। भाई लोग मैंने बोला था ना तुमको मेरा अरेस्ट होना मेरी दुआ के कबूल होने जैसा है। अरे वो देखो मेरी दुआ मेरी आंखों के सामने खड़ी है मेरी शिवानी शिवानी मुझसे मिलने आई है। यार शिवानी तुम तो वक्त के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो यार। मैंने सोचा था हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मिलेंगे मैंने सारी तैयारियां कर ली थी तुम्हारा फेवरेट खाना भी बनाया था लेकिन तुम्हारी जगह वहां सही आ गई। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ यार लेकिन कोई बात नहीं अब सही की वजह से मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल रहा है मैं बहुत खुश हूं। लेकिन तुम टेंशन मत लो मैं वो खाना तुम्हारे लिए दोबारा बना दूंगा। आई होप सही ने तुम्हें सब कुछ बताया होगा। I'm really sorry, मैं यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता यार जगह ही ऐसी है। एक मिनट यार और कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हें ये पानी तो ऑफर कर सकता हूं ना लो लो ना। मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूं मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कहने आई हूं कि मुझे तुमसे नफरत है। I hate you, राजीव। थैंक गॉड कि तुम अब तक मुझसे नाराज हो यार। थैंक गॉड कि तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया। अरे यही तो मेरे लिए उम्मीद की किरण है। मजाक है ये? You think this is some kind of a joke? बिल्कुल नहीं बदले हो राजीव। अभी भी मेरे आंसुओं में तुम्हें अपनी खुशी दिखाई देती है। यार शिवी ऐसा नहीं है मुझे तुम्हारे आंसुओं में खुशी नहीं मिलती। अरे मुझे तो तुम्हारी मुस्कुराहट में खुशी मिलती है तुम्हारी हंसी में खुशी मिलती है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता यार और मैं जानता हूं कि तू मुझसे नाराज है और तुझे पूरा हक है यार मैंने हरकत ही ऐसे की है। मगर एक बात बताऊं आई हैव ऑलवेज लव्ड यू मैं अब भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं और बहुत मिस करता हूं यार। तुम जानती हो मेरी आई बिल्कुल सच कहती थी कि शिवी को छोड़ के तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। शादी के दिन इस तरह से बिना कुछ बताए तू उसे छोड़कर चला आया। शादी के दिन मैं तुझे अकेला छोड़कर चला गया यार तू मुझे फोन करती रही मैंने तेरा फोन तक नहीं उठाया। पूछा तक नहीं यार तेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैंने जो किया है ना वो गलती नहीं बहुत बड़ा गुनाह है। और देखो अपने गुनाह की सजा काट रहा हूं यार। यार शिवी एक से क्या होगा लो एक और मार लो
थक गई होगी ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी जेल से कोई भाग सकता है क्या? लेकिन अगर भाग सकता ना तो भी नहीं भागता। अच्छा तू पहले रोना बंद कर, ये ले आंसू पोंछ। अच्छा अब यही यूज करोगे? नहीं शिवू, देखो तुम ये परफ्यूम लगाती हो ना, तो ये बॉटल मैं अपने पास रख लूं और जब भी तुम्हें मिस करूंगा इस परफ्यूम का स्मेल कर लूंगा, ऐसा लगेगा कि तुम मेरे साथ। अरे पर डम्बो, हमारी शादी 7 दिन में हो रही है, उसके बाद हम साथ नहीं रहेंगे। 7 दिन? अरे 7 दिनों में तो मुझे तुम्हारी यार 7,000 बार आएगी, तब ये परफ्यूम मेरा सहारा बनेगा। ये बॉटल अभी तक तुमने संभाल के रखा है? Obviously. इसके अंदर की परफ्यूम की खुशबू तो कब की खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारे यादों की खुशबू अब भी बरकरार है। मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना, मतलब ये खाली बोतल संभाल के रखी है, इसकी बूंद बूंद में तुम्हारे यादों के सारे खुशियां ढूंढता था, जबकि जिंदगी मुझे खुशियों का समंदर देना चाहती थी, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ देना चाहती थी, तुम्हारा प्यार देना चाहती थी। न जाने हम इंसानों को हर अच्छी चीज की कदर खुद से दूर होने के बाद क्यों पता चलती है। चले गए थे राजीव, हमारी शादी के दिन पे तुम गायब हो गए थे, मैंने तुम्हें कितने फोन किए, कितने मैसेजेस छोड़े, लेकिन तुमने मेरे एक फोन का जवाब नहीं दिया, क्यों? क्या लगा तुम्हें कि तुम मेरे साथ इतना सब कुछ करोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? शिवी यार प्लीज यार, तुम चाहो तो अब भी मेरी जान ले लो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो यार, एक मौका तो दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें पछताने का एक मौका नहीं दूंगा, शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा, पक्का। तुम मुझे माफ कर सकती हो? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.